أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان الله سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان الله ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي قصه مختصر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرين کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی محمد نعمان رضا مدنی
नहीं। इदारतुल कुरान पाकिस्तान की जानिब से आप ट्रांसमिशन रोज़ाना देखते हैं कुरान रमज़ान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह HMC के नेटवर्क भी माशाल्लाह आप रोज़ाना देखते हैं, पसंद करते हैं। आपके पसंदीदगी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं जो कि जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान के तीन अशरे हैं। पहला अशर रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी। दो अशरे हमारे गुजर गए, अब कैसे गुजरे ये हर शख्स खुद जान सकता है कि उसने रहमत के अशरे में रहमतें लूटी, बरकत के मग़फ़िरत के अशरे में उसने मग़फ़िरत तलब की, और अब जहन्नम से आज़ादी के अशरे में वो क्या वाकई तौर पर जहन्नम से आज़ादी हासिल करना चाहता है कि नहीं। अब इंसान पर है, बंदे पर है, अल्लाह तबारक व ताला जिस शख्स को तौफीक अता फरमाया गया यकीनन वो जहन्नम से आज़ादी हासिल कर सकेगा। जिन्होंने रहमतें लूटी रहमत के अशरे में और जिन्होंने मग़फ़िरत चाही मग़फ़िरत के अशरे में, तो उनको मुबारकबाद हो मेरी तरफ़ से। वो हमारे लिए दुआ करें और अपने लिए भी, जहाँ पर सहर अफ्तार में हाथ उठें तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो अब जहन्नम से आज़ादी के अशरे में जो दाखिल हो चुके हैं, अगर आपने दो अशरे अगर गफलत में गुजारे थे तो अभी भी वक्त है, ज़िंदगी हो सकता है कि मौजूद हो, तो आप इस तीसरे अशरे का फ़ायदा उठा सकते हैं और खाली कायनात की रहमतों से अपना जिस्म अपनी ज़ात को भर सकते हैं और उसकी रहमत से मुत्तसिफ़ और मुत्तसिल हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे साथ क़ारी कुरान उस्तादुल कुर्रा क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद क़ादिर साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। घर सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह क़ारी साहब तिलावत तो बेहतरीन करते हैं, माशाल्लाह तरावी भी पढ़ाते हैं, इमाम तरावी भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह तबारक पदन के लहन में बरकतें रहमत अता फ़रमाए और इनके गले को और मज़बूती अता फ़रमाए। जो कुछ मामलात हैं अल्लाह तबारक रूहानी हैं जिस्मानी, अल्लाह तबारक व ताला उन मामलात को अपने करम से दूर फरमाए, क्योंकि नाज़रीन कराम सरवर दो आलम का फरमान निशान है कि हर वो शख्स के जिसके अंदर अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, जो जी नेमत है उससे हसद की जाती है। तो यकीनन कार सब बेहतरीन कुरान पाक पढ़ते हैं तो हासिदीन भी यकीनन होते हैं, और नजर बद क्योंकि ये हक है सच है तो नजर बद का सिलसिला भी हो जाता है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं जो भी नजर बद के मामलात हैं वो कार साहब के सामने से वो हट जाएँ, उसकी काट हो जाए और कार साहब का गला दोबारा की तरह माशाल्लाह पहले की तरह माशाल्लाह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सबको नजर बद की इस फेल से जो है महफूज फरमाए, जो लोग लगा देते हैं अल्लाह तबारक व उनको भी जो है वो समझ अता फरमाए। नाज़रे करम, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद नईम निज़ाम भाई माशाल्लाह, और आज हमारा मौजू है बड़ा इंतहाई समझने दिल रुबा मौजू है, हर मोमिन की चाहत है, और मोमिन जब इस मौजू को सुनता है तो उसके ईमान की दलील होती है कि मुस्कुरा जाए, अगर नहीं मुस्कुरा तो समझ लें फिर मामला क्या हो जाता है। इंशाल्लाह साहब जब मौजूद होंगे तो सवाल करेंगे। जब शख्सियत का नाम लिया जाता है, सब तमाम शख्सियात हमारे लिए काबिल मोहतरम है, चाहे वो अहले बैत अतहार की घराने की शख्सियात हों, चाहे सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग का कोई भी फूल हो, चाहे वो सहाबा की सूरत में हो या अहले बैत की सूरत में हो, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना को प्यार है और हम उनका तस्किरा करते आ रहे हैं। जो दीगर जो हमारे अय्याम गुजरे हैं उनमें हमने हाते आयशा का तस्किरा भी किया, जनाब अबू बकर, जनाब हाते उमर, जनाब हाते उस्मान का तस्किरा भी इंशाअल्लाह करीम होने वाला है चंद दिन बाद, एक मौजू इंशाअल्लाह हमने उन पर भी खास किया है। तो हमारे पास मौजूद है मोहम्मद नईम निज़ाम भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन कराम, माशाल्लाह आज हमारे नईम निज़ाम भाई की माशाल्लाह बच्चियों का नशरा भी था और माशाल्लाह बच्चों की रोज़ो कुशाई का भी सिलसिला था। नईम भाई बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह, ये एक बहुत बड़ा दिन होता है एक वालिद के लिए कि बच्चे यानी कि इस नहज को पहुंच जाएं कि माशा रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं। अल्लाह तबारक उन बच्चियों को भी हाते फातिमा ज़हरा के सदक़े नसीबों को बुलंद फरमाए। नईम भाई माशाल्लाह क्या सुनाएंगे ये नहीं पूछूंगा, खूबसूरत कलाम पेश करने जा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मौला अली की शान में पेश करेंगे। मैंने बताया नहीं था मौजू, लेकिन लोग आपने बता दिया, चले कोई बात नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी मोहब्बत के साथ उसके बाद में दुरूद पाक का गाना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। Mm-hmm.
चलाया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहले आज मैं तेरा दहली नशी हम पाया हूँ तेरी महफिल में चला फिल में चला हूँ चंद पलियों तेरी कुर्बान में कट चंद पलियों तेरी कुर्बान में कटे जैसे एक जैसे एक उम्र में गुजाराया हूँ एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना बेशक बना लो आका मान दो घड़ी का जैसे एक उम्र में गुजाराया हूँ जैसे एक उम्र में गुजार ईमान
आया हूँ मैं मदीने से पलट पलट आया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ तेरी महफिल में चला सुबहानअल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद नईम निज़ाम भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब नाज़रीन कराम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। 21 रमज़ान मुबारक हाते मौलाए मन मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का विसाल का दिन है। इस दिन के अंदर हम हाते मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की याद और ज़्यादा मनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस दिन मनाते हैं, बल्कि हम इस दिन और ज़्यादा हाते मौलाए कायनात को याद करते हैं, उनसे अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं, उनको खिराज अकीदत जो है वो पेश करते हैं। नाज़रीन कराम हमारी कुरान रमज़ान ट्रांसमिशन की आज 21वीं रमज़ान ट्रांसमिशन है, और आप जानते हैं कि जो मैंने मौजू आपके सामने ज़िक्र किया हाते खलीफ़ा चहारुम मुसलमानों के मोमिनों के चौथे खलीफ़ा हाते अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तज़किरा इंशाअल्लाह करीम आज हम करेंगे। और आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद फैज़ फिरदौसी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुज़ूर वाला खैरियत से मिजाज बखैर जी? हुज़ूर अल्लाह पाक के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मोहम्मद फैज़ फिरदौसी साहब माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ बातें कर लेते हैं, तज़किरा हाते अमीरुल मोमिनीन कर लेते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जनाब मौला मैन का आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन मना रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला का इस पर मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हाते अली की मोहब्बत हमारे दिलों में वदियात फरमाई है, अहले बैत अतहार के हर फ़र्द की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी है, सहाबा के साहबे कराम अली रिदवान की जमात की हर फ़र्द की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में मौजूद है, चाहे वह हज़रत अमीरुल मोमिनीन ही क्यों ना हो, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर माविया ही क्यों ना हो, चाहे अबू सुफियान ही क्यों ना हो, चाहे हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही क्यों ना हो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आज ख़ास दिन है जनाब मौलाए कायनात का। तो सबसे पहले अल्लामा साहब तआरुफ़ बताइएगा कि जनाब मौलाए कायनात का इसमें ग्रामी और दीगर जो इस तारुफ़ के अंदर चीज़ें आती हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ताकि हमारी अवामुन्नास जो है वो इन बुनियादी चीज़ों से भी जो है वो आगाह हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ हुज़ूर कि इस पुरफितन दौर में आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी बज़्म सजाई है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह करीम आपके जज्बों को सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा खैर अता फ़रमाएँ। फिर आपने जो हुज़ूर सवाल पूछा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, आपका तारुफ़ सबसे बड़ा तारुफ़ तो आपका यही है कि आप शेर खुदा हैं। वाह वाह सुभानअल्लाह। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से आपको ख़ास नस्बत हासिल है। सही। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपसे ख़ुद मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं। सुभानअल्लाह। और आपके तारुफ़ के लिए यही काफ़ी है कि आप खानवादा रिसालत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं और आपका उनसे ताल्लुक है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। खुद जब आप दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपका नाम हैदर रखा, और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको
जो लकब अता फरमाया वो आपके तारुफ के लिए काफ़ी है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। वाह वाह असदुल्लाहिल गालिब माशाल्लाह आपका आपका माशाल्लाह इसमें गिरामी हाते अली जो अली जो आपका इसमें गिरामी है और आपकी वालिदा ने हैदर जो है वो नाम जो है वो हाते मौला कायनात का रखा। अच्छा मेरी ये आदत है अल्लामा साहब कि मैं मौला कायनात तो हम सभी कहते हैं लेकिन मैं जनाब हाते अली मुर्तज़ा को मौला मन कहता हूँ और लोग पूछते हैं या देखते हैं कि मौला मन में कह रहा होता तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो मेरे सिर्फ जिस्म की क़िबला नहीं है मौला नहीं है बल्कि वो मेरे मन के भी मौला है। और जनाब मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो एक वो रिवायत है ना वो पेश फरमाइएगा कि मोमिन का चेहरा और मुनाफिक के चेहरे की जो यहाँ पर एक समझ लें कि एक फ़र्क जो बयान कर दिया गया है रिवायात में कि जनाब अली का तस्करा सुनते मोमिन का क्या हाल होता है और मुनाफिक का क्या हाल होता है वो मैं चाहूँगा कि आप इरशाद फरमाएं। सवाल सुभानअल्लाह हुज़ूर आपने बड़ा अच्छा सवाल फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र भी इबादत है वाह वाह और आपका जो चेहरा अनवर है उसे तकना भी इबादत है वाह सुभान अल्लाह बेशक। अब यहाँ पर ये देखें कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हम मोमिनों की माँ हैं सही आप फरमाती हैं कि बाबा जान ज़रा ये तो बताइए कि जब महफिल में हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं और आप भी होते हैं मैंने आपको देखा है कि आप लगातार टकटकी बांध कर जनाबे वाला मौला कायनात के चेहरे को देख रहे हैं ये क्या मामला है। तो फरमाए बेटी आयशा सिद्दीका बात यह है कि मैंने रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से सुना है कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है और अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब क्या मकाम और क्या इज्जतें सरकारे दो आलम के दर से आपको नसीब हुई हैं कि आपका तकना भी इबादत आपका जिक्र करना भी इबादत हत्ता कि अगर कोई बंदा सिर्फ अली 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 करता है तो यूं समझिए कि परवरदिगार आलम की नज़र में उसकी इबादत को शुमार किया जा रहा है। और ये जो आपने फरमाया ना हुजूर के उनको जो देखना और मोमिन की खुशी का बाइस है तो खुद सरकारे मदीना अली सलातुसलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अली तेरे जिक्र से खुश नहीं होता मगर मोमिन और दिल उदास नहीं होता चेहरे पे जनाबे वाला अफसरदगी नहीं आती सिवाय मुनाफिक के। सही। और खुद रिवायत में आता है कि अगर मोमिन को जनाबे वाला सख्त से सख्त सजा भी दे दी जाए हत्ता कि उसकी नाक भी कलम कर दी जाए फिर भी वो मौला अली से दिल छोटा नहीं कर सकता मौला अली के जिक्र से दिल को जनाबे वाला दूर नहीं कर सकता और मुनाफिक के लिए अगर सारी जमीनों आसमान के खजाने भी दे दिए जाएं तब भी मोमिन को इस बात की खुशी नहीं हो सकती कि मौला का जिक्र करे। और खुद मैं ये अर्ज करता चलूं हुजूर के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दर की ये खैरात है कि जिक्र अली करना भी है और जिक्र अली को जनाबे वाला लोगों को भी सुनाना है आपके मुआरफत के जाम लोगों को भी पिलाने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और देखिए अल्लामा साहब की गुफ्तगू में नाज़रीन कराम एक चीज़ देखिएगा कि अल्लामा साहब ने जो रिवायत पेश की वो उसके हाथे जो सवाल था वो सवाल करने वाली कौन साहिबा हैं वो हमारी माँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों की माँ हैं जिनको कुरान ने मोमिनों की माँ कहा जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने मोमिनों की माँ कहा। और फिर सवाल भी किस तरीके का किया जा रहा है ये देखिए कि यहाँ पर वो जो एक झगड़े की जो एक कैफियत जो होती है और वो जो वसवसा जो दिलों में डाला जाता है वसवसा सिर्फ शैतान नहीं डालता कुछ इंसान भी हैं जो वसवसा डालते हैं और जब हम सूरह नास पढ़ते हैं तो उसमें दोनों से पना मांगी गई है मिनल जिन्नती वन नास जिन्नात से भी और इंसान से यानी कि ऐसे शरारती लोग जो दिलों में वसवसा डालते हैं उनसे भी जो है पना मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सहाबा हों अहले बैत हों यहाँ पर मोहब्बत ही मोहब्बतें आपको दिखेंगी यहाँ पर आपको उल्फत उल्फत दिखेगी यहाँ पर आपको दिलों का मिलान आपको दिखेगा। और एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है अल्लामा साहब की बात से कि जनाब हाते आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा सरवरी आलम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह आपको औरतों में कौन पसंद है तो आपने फरमाया मुझे फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत है मुझे फ़ातिमा बड़ी अच्छी लगती है ये फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिर आपने सरवरे दो आलम से पूछा था या रसूल अल्लाह मर्दों में आपको कौन पसंद है तो सरवरे दो आलम फरमाते हैं फ़ातिमा के जो शोहर हैं यानी कि जनाब मौलाए मन मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लामा साहब ये शायद फरमाइए कि जनाब मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो पैदाइश है उसका मकाम क्या है यानी कि कहाँ पर हाते मौलाए कायनात की पैदाइश हुई कोई हॉस्पिटल था कोई इस तरह कोई इदारा था कोई कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर जनाब अली मुतर रदी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह हुज़ूर मौलाए कायनात सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो पैदाइश है
वो खाना खुदा में हुई है, वाह वाह, खाना काबा में हुई है, ये भी आपकी कदर और मंजिलत का पता देती है। सुभानअल्लाह, कि घर खुदा का है तो शेर भी खुदा का है, वाह वाह वाह, ये भी आपका मकाम और मर्तबा है। सुभानअल्लाह। और आपका मामला ये है कि जब आप दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी अम्मी जान ने आपको उठाया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पेश किया गया तो सरकार ने देखा कि आपकी चची अम्मा के घर बेटा तो पैदा हुआ है मगर आप जरा उदास हैं। पूछा, चची अम्मा उदास क्यों हैं? फरमाया, बेटा आपको रब ने भाई तो अता फरमाया है मगर कुछ मामला यूं है कि ये देख नहीं सकता, भैया मुझे देख नहीं रहा, और बेटा मैंने इसे अपना दूध पिलाना चाहा है तो दूध भी नहीं पीता, लगता यूं है गोया मेरी आवाज भी नहीं सुनता। अल्लाह, चची अम्मा अगर ऐसी बात है तो फिर लाइए, तो फिर लाइए मुझे दीजिए। सरकार खत्मी मर्तबत ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया और एक सदा लगाई है, अली आंखें खोलो। बस इतना कहने की देर है, मौला कायनात ने अपनी आंखों को खोला, सरकार दो आलम अली सलातो सलाम ने अपना लुआब दहन लेकर मौला कायनात के लबों पर लगाया और बता दिया कि रब ने जो इल्म मुझे अता फरमाया है उसकी खैरात अली अल मुर्तजा को दे रहा हूँ। वाह वाह वाह। और मेरे पाक अली अल मुर्तजा की शान देखें, आपका अंदाज देखें, गोया आंखें नहीं खोल रहे, अपनी माँ से जन्म जरूर लिया है मगर आंखें नहीं खोल रहे, गोया ऐलान फरमा रहे हैं, मोहब्बत की आवाज आ रही है कि या रसूल अल्लाह माँ ने जन्म जरूर दिया है मगर मैंने माँ को भी नहीं देखा जब तक आपका वद्दुहा का चेहरा न देख लिया, आका मैंने किसी बात पर तवज्जो न दी जब तक आपकी जबान अतहर से आपका पैगाम न ले लिया, आका मैंने जन्म जरूर माँ के पास लिया है मगर आका मैंने माँ का दूध भी नहीं पिया जब तक आपसे लुआब दहन न चख लिया। आप खाना खुदा में पैदा हुए और रसूल खुदा ने आप पर खास करम फरमाया है, आपको अपने जानशीनी में जनाबे वाला कबूल फरमाया, और हुजूर अली सलातो सलाम के सारे सहाबा जन्नती हैं, ये याद रखें, सारे सहाबा जन्नती हैं, एक भी ऐसा सहाबी नहीं है जिसके ऊपर जनाबे वाला अहले सुन्नत में कलाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अली सलातो सलाम के सारे सहाबी जन्नती हैं मगर हर फूल की खुशबू जुदा है, हर फूल की खुशबू जुदा है, उनमें आपस में मोहब्बतें हैं। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का क्या अमल होता, आप मौला कायनात को तका करते, देखा करते, अरे दुश्मनियां बताने वालों, दुश्मनों को देखा नहीं जाता, उनसे तो नजरें फिराई जाती हैं, उनका दिल ये बता रहा है, उनकी नजर ये बता रही है कि हम अपनी मर्जी से किसी को नहीं तकते, सरकार के दर से जो भी मिलता है हम अपने सीने से लगा लेते हैं। तो जिक्र अली करना अबू बकर सिद्दीक की भी सुन्नत है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह आपका जज़ा खैर अता, दुनिया को देखना ही गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अली मुर्तजा ने आंखें ही नहीं खोली कि किसी और को मैं क्या देखूं, मैं देखूं तो चेहरा वद्दुहा देखूं, कोई ये ना समझे कि यहाँ पर हाते फातिमा, जो आपकी जो वालदा है उनका नाम भी फातिमा है, फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा के, जिनसे सरवर दुआलम बड़ी मोहब्बत और प्यार किया करते थे, और जब आपका इंतकाल हुआ तो सरवर दुआलम ने ही अपने हाथों से हाते फातिमा बिनते असद को जो है वो कब्र के अंदर उतारा। ये बड़ी एक मोहब्बत की एक अलग ही अंदाज़ है। तो ये कोई ये ना समझे कि यहाँ पर कोई माँ का मकाम कोई हाते अली ने गिरा दिया या इस तरह कोई नहीं, इस तरह ये इकज जहनी वाली बात ना हो, बल्कि ये देखें कि माँ से बढ़कर भी अगर कोई ज़ात है तो मुस्तफ़ा की है, बाप से बढ़कर भी अगर कोई जात है तो मुस्तफ़ा की है। दुनिया में हर रिश्ता छोटा है और सबसे बड़ा रिश्ता मोहब्बत रसूल का है, ताल्लुक़ रसूल का है। नाज़े कराम, मौजू ऐसा छिड़ चुका है कि दिल नहीं करता किसी और तरफ जाया जाए, लेकिन नईम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं हमारे साथ, जहाँ पर हम नसर में गुफ्तगू कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं मौला कायनात की, वहाँ पर हम चाहेंगे कि नज़म में भी हम जनाब मौला कायनात की तारीफ़ को समाप्त करें। अब इंशाल्लाह मोहम्मद नईम निज़ाम भाई जो भी पेश करेंगे उसे मैं अपने कानों को भी सुरूर बख्शूंगा, और मुझे भी उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह आपको भी बड़ी खुशी होगी इंशाल्लाह सुनकर। मोहम्मद नईम निज़ाम भाई जी, मैं इंशाल्लाह मौलाए कायनात की बारगाह में मनकबत पेश कर रहा हूँ और आप सुनेंगे इंशाल्लाह बहुत कैफ़सुरूर आएगा, और वो कलाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एल्बम रिलीज़ किया था पिछले साल वही कलाम पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुरूर कैफ में तनहा अली अली
बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले ये बंदगी है के बंदा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले ये बंदगी है के बंदा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले हुदूद काबा से आए अली अली की सदा सदा जब नहीं है के काबा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले तेरे फकीर के लब पर हो अली हैदर तेरे फकीर के लब पर हो अली हैदर और उसके सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले ये मौजज़ा भी कभी देखने को मिल में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले निगाहें शौक में तालिब बस एक ख्वाहिश है गुलाम नबी का अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले ये बंदगी है के बंदा अली अली बोले सुरूरों के में तनहा अली अली बोले सुभान अल्लाह सुभान
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जनाब मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हम नज़म और नसर में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। शेर खुदा बनता तो फिर शेर खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का। जनाब मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला की जनाब में हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और ये नशिश जो हमारी है ना, ये जो ट्रांसमिशन हमारी बड़ी ट्रांसमिशन है, हम इसको बड़ी ट्रांसमिशन से ताबीर करेंगे। क्यों? इस वजह से कोई ये ना समझे कि बड़ी ट्रांसमिशन से मुराद क्या होगी, कोई 10-12 बंदे बैठोंगे। नहीं, हम क्योंकि बड़े का जिक्र कर रहे हैं तो अभी बड़ी ट्रांसमिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़े का जिक्र कर रहे हैं रब्बे ताला के करम से, जो कि शेर खुदा हैं, असदुल्लाह अलल गालिब है, अल्लाह के फ़दल से जो काफिरों पर गलबा और रौब और दबदबा डाल देने वाली शख्सियत हैं, और मुनाफिकीन का सीना चीर देने वाली शख्सियत हैं, जो दुश्मन को बीच से बिल्कुल तोड़ देने वाली शख्सियत हैं, हम उस अली की बात कर रहे हैं रब के फ़दल से। और ये रब का बड़ा करम है कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं। अल्लामा साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, हो सकता है कि नाज़रीन सोच रहे हो कि अरे ये बातें तुम्हारी सुनी हुई हैं, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र, ये तो हमारा सुना हुआ है, तो हम इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बात बताता जाऊँ कि जिक्र मौला अली कभी पुराना नहीं होता। जिक्र मौला अली कभी पुराना नहीं होता। आप जितनी मरतबा समात करेंगे इंशाल्लाह आपको उतना सुरूर मिलेगा। अल्लामा साहब, हाते मौला कायनात को फातह खैबर कहा जाता है, खैबर का फातह कहा जाता है। मैं चाहूँगा कि आप उस वाक़े पर कुछ रोशनी डालें जिसका जो लक़ब हाते मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को मिला। फातह खैबर एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, यकीनन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या मामला था। सुभान अल्लाह। हुज़ूर क़िबला, आपने जो ज़िक्र फरमाया कि फातह खैबर का जो टाइटल आपके ऊपर सजा है, और अल्लाह जल्ला वाला ने आपको जो प्रोटोकॉल अता फरमाया है, वाह वाह वाह, खैबर के मैदान में जहाँ पर चारों तरफ कुफर ही कुफर है, और मेरे पाक नबी अलैहि सलातो सलाम का पाक लश्कर, देखिए जुमले पर गौर करें, पाक नबी की पाक जमात वाह वाह खैबर के मैदान में मौजूद है, वाह, और सरकारे दो आलम अलैहि सलातो सलाम के पाक सहाबा एक एक करके हमलावर होती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सरकार के जो है चाहने के बावजूद भी वो कला फतह ना होता, ना, सरकार अलैहि सलातो सलाम सिर्फ बताना चाह रहे हैं, इज्जतें अता फरमा रहे हैं मेरे पाक नबी अलैहि सलातो सलाम। सही, सरकारे दो आलम अलैहि सलातो सलाम के सहाबा जब जंग लड़ चुके और रोजाना की बुनियाद पर हमला होता मगर कामयाबी ना मिलती, वाह वाह, तो सरकारे दो आलम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल, आज नहीं, कल ये आलम उस शख्स के हाथ में होगा जो अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के महबूब का भी महबूब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के लिए नहीं फरमाया। यहाँ पर एक मामला ये भी हल हो गया हुजूर। कुछ लोग कहते हैं जी हुजूर अली सलातो सलाम को तो जो है कल की खबर नहीं, तो मेरे भाई अहादीस मुबारका की किताबें उठाकर देखिए, तफासीर उठाकर देखिए कि महबूब अली सलातो सलाम का कलाम क्या है। सरकार फरमा रहे हैं कल दूंगा, आज नहीं, देंगे कल इस पाक लश्कर में। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम के सहाबा फरमाते हम पूरी रात बेताब रहे, बेकरार रहे कि काश ये आलम हमें मिल जाए, क्योंकि वो आलम नहीं है जनाबे वाला, वो तो महबूब की महबूबियत का परवाना है। सरकार फरमा रहे हैं जो अल्लाह का भी महबूब है और रसूलुल्लाह का भी महबूब है। सुबह सरकार अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली कहाँ हैं? या रसूलुल्लाह, उनकी आंखों में तो दर्द है, आका आशूब चश्म का मामला है। सरकार ने फरमाया बुलाओ अली को। वाह वाह, वो एक अलग मामला है कि कैसे आए हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए, आका गुलाम हाजिर है, आका मैं आ गया हूँ। सरकार ने फरमाया अली क्या मामला है? आका आंखों में दर्द है। ये कौन है? ये मौला कायनात हैं। और किसके दरवाजे पर आए हैं? सरकारे दो आलम के दरवाजे पर खड़े हैं। जमाने के मुश्किल कुशा हैं मेरे मौला अली। वाह वाह, और खड़े कहाँ पर हैं? सरकार की बारगाह में खड़े हैं। आका आंखों में तकलीफ है, दर्द है। सरकार ने फरमाया अली जरा करीब आओ। अपने करीब बुलाया, लुआब लेकर महबूब अलैहि सलातो सलाम ने मौला कायनात की आंखों में लगाया। मौला फरमाते हैं मैं तो समझ ही ना सका लुआब पहले लग गया है या इरादा मुस्तफा पहले काम कर गया है, या पहले मुझ पर करम हो गया। फरमाया हुजूर ने लुआब लगाया और हुजूर ने फिर मुस्कुरा के फरमाया अली सामने देख रहे हो ना? जी या रसूलल्लाह। फरमाया जाइए और कला खैबर जो है उसे फतह करके लौटिए। मौला कायनात चले हैं। अब जब आए हैं ना, तो यहूदियों का गुमान ये था
कि हमें जनाब वाला कोई जेर नहीं कर सकता, हम पर जनाब वाला कोई गालिब नहीं आ सकता। वो नादान ये भूल गए कि ये कुल्ले गालिब हैं, ये मौला अली इब्ने अभी तालिब हैं। आए हैं मैदान में, आकर आपने ललकारा, फरमाया है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? तो सामने से मरहब आया। जो मरहब आया ना, मौला फरमाते हैं वो 40-40 से अकेला लड़ा करता था, 100-100 से अकेला लड़ा करता था। मुख्तलिफ रिवायत हैं। ये आया और आकर मेरे मौला के सामने आकर कहने लगा, हाँ भाई भतीजे क्या कहते हो? सरकार अली इब्ने अभी तालिब ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं पैगाम लाया हूँ आप उसे कबूल कर लें। अब बहादुरी की इंतहा देखें, सामने बदतरीन काफिर है, बड़ा पहलवान खड़ा है, और आप जर्रा बराबर भी दीन की तबलीग करने में नहीं कतराते, न हिचकिचाते हैं। आपने अल्लाह जल्ला वाला का पैगाम मैदान जनाबे वाला उस मकाम पर खैबर के मैदान में सुनाया। ये कहने लगा मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, आप अभी छोटे हैं, उसका गुमान था। मेरे मौला ने फरमाया मगर मैं तो लड़ना चाहता हूँ, आ ना जरा तुझे मैं मजा चखाऊं कि मैं कौन हूँ। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम है मरहब। मरहब नाम है भाई, किसने रखा? का मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है भाई, मरहब माना का शेर। आप मुस्कुराए, फरमाया तेरी तो माँ ने तेरा नाम शेर रखा है, मेरा तो मेरे खुदा ने रखा है। आ ना जरा मैदान में मैं तुझे मजा चखाऊं। अब जब जुल्फिकार हैदरी उठी है और मरहब सामने आया, तो अरब में और पहले ये रिवाज था, हुजूर जब लड़ा करते थे तो उनके हाथ में एक ढाल हुआ करती थी, उसी से दुश्मन के वार को रोकना है, और जो उसे रोक गया फिर अपना वार उसने करना है। सरकार अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े हैं, फरमाया पहले आप अपनी कर लें, आप अपना जोर लगा लें। मरहब ने तलवार निकाली और मौला कायनात पर हमलावर हुआ, एक जोर का हमला किया, आपने अपनी ढाल पर उस वार को रोका। वार को रोकने के बाद आप जरा संभले हैं और आपने फरमाया अब जरा इधर देखना, अब जरा इस तरफ देखना। अल्लाह अकबर, जुल्फिकार हैदरी है मेरे मौला कायनात के हाथ में और आप खुद नहीं आए, रसूलुल्लाह ने भेजा है। असल कमाल यह है कि सरकार ने आपको भेजा है। मैदान में आए और आपने जनाबे वाला अल्लाह का नाम लेकर एक वार किया है, ऐसा वार किया है कि मरहब की ढाल को भी काट दिया, उसकी जनाबे वाला लोहे की खोर जो टोपी है उसे भी काट दिया, उसके सीने को भी काट दिया, उसको सर से लेकर पैर तलक दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया, हत्ता कि उसकी सवारी पर भी जुल्फिकार लगी है और सवारी के भी दो टुकड़े हो गए। इधर मेरे मौला कायनात ने अल्लाह का नाम लिया और जब ये आपस में लड़े हैं ना, सहाबा फरमाते हैं मौला कायनात जब लड़ रहे हैं तो गर्द गुबार उड़ा है, इस कदर मट्टी उड़ी है कि मौला भी गायब हो गए, मरहब भी गायब हो गया। अचानक मेरे मौला कायनात ने नारे तकबीर बुलंद फरमाया और मेरे पाक नबी ने उधर ऐलान फरमाया मेरा अली कामयाब हो गया है, मेरा अली कामयाब हो गया है। आपकी ये जो जरब है ये कुफर के ऊपर ऐसी पड़ी है कि जनाबे वाला कुफर को काट के रख दिया। और क्यों ना हो, क्यों ना हो कि जब आप तलवार चलाते गैब से आवाजें आती, शाह मर्दा शेर यजदा कुवते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। भाई अली जैसा जवान कोई नहीं और जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। सुभान अल्लाह, नाज़े कराम, माशाल्लाह। ज़र्बे हैदरी जब किसी काफिर पर लगती है तो इतनी चीखें तो बुलंद होती हैं और आज तक वो चीखें जो हैं वो आ रही हैं यहूदियों की तरफ से, नसरानियों की तरफ से। जो वार 1400-1450 साल पहले जनाब अली मुर्तज़ा ने मरहब पर किया था, यहूदियों पर किया था, आज तक उसकी चीखें जो हैं वो आ रही हैं और आज तक वो ज़र्बे हैदरी यहूदियों को याद है जो वार मौला कायनात ने किया था। नाज़रीन करम, वक्त हमारा इख्तिताम को पहुँच चुका है और तकरीबन हम बिल्कुल करीब करीब हैं इख्तिताम पर। देखें, फ़ातह खैबर का मामला हो या दीगर जंगों का मामला हो, जनाब अली जो मुर्तज़ा हो या दीगर सहाबे कराम अली रिदवान हो, हर जो सहाबी या रसूल है सरवर आलम ख़ातमुन नबीजीन ने हर शख्स को कोई ऐसा मर्तबा उनको दिया है कि जो किसी और से मुमासिलत नहीं रखता। यूँ नाज़रीन करम, ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है यहाँ पर मुकाबला करने बैठ जाते हैं और लकीर खींच कर बैठ जाते हैं कि हाथ अली को ये मिला, फ़लाँ को ये नहीं मिला, हाथ अली को ये मिला, फ़लाँ को ये नहीं मिला। तो ये लकीर का खींचना, ये जो है यहाँ से ईमान जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि याद रखें कि जो
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दीगर सहाबे कराम अली रिदवान को मिली, जनाब अली मुर्तज़ा को नहीं मिली। कैसे? वो इस तरह कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को सरवर दो आलम ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जनाब अबू बकर के लिए कि मैंने सबका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि इसका एहसान मैं कल क़यामत के दिन दूँगा। ये फरमान किसी और के लिए नहीं है। और फिर आप ये देखें जनाब जनाब हाथ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये फरमान भी हाते मौला कायनात के लिए नहीं है। तो ये तफर्रुदात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी एक शख्स को मिलती हैं, किसी दूसरे शख्स को नहीं मिलती हैं। लेकिन हम क्योंकि उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हम क्योंकि ग़ुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम क्योंकि सरवर दो आलम के ग़ुलाम हैं, इस वजह से हम पर लाजिम और मलजूम है कि हम मुशाजरात से और वो इख्तलाफात जो सहाबे कराम अली रिदवान में हो गए थे किसी वजह से उनमें ना पड़ें। हमारा काम बस ये है कि हम सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, सहाबा की मनाक़िब पढ़ें, अहले बैत अतहार के मनाक़िब पढ़ें। हमारा काम बस इतना है कि हम जो है बस ये काम करें। हमें ये इस बात का कोई इख्तियार नहीं कि हम जो है वो कोई फैसला करने और फैसला लिखने बैठ जाएं। हमारा ये काम हरगिज़ हरगिज़ नहीं होता। नाज़िर कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आखिर के अंदर एक मौजू का लाते हैं, एक सेगमेंट हमारा होता है कुरान वाकयात के नाम से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल कुरान हिज़्ब व नाज़रा अकेडमी के ही एक हाफिज़ साहब जो कि माशाल्लाह ये कुरान वाकया पेश करते हैं, हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब माशाल्लाह कुरान वाकया पेश करते हैं, और हम इसी पर इख्तिताम कर लेते हैं। तो नाज़िर कराम, ये वाकया हमारे हाफिज़ उवैस साहब माशाल्लाह पेश करेंगे, तो मुझे अपने मेज़बान को आप इजाज़त दीजिएगा और हाफिज़ साहब इंशाल्लाह वाकिया पेश करके ये भी इजाज़त ले लेंगे। हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम होता है, लेकिन इख्तिताम वो वाला इख्तिताम होता है, लेकिन आगे एक सेगमेंट हमारा भी रहता है। अपने मेज़बान मोहम्मद नौमान रज़ा मदनी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ان شاء الله عز وجل جنگ حنین کا آج مکمل واقعہ ان شاء الله عز وجل ہم سماعت کریں گے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قران پاک میں فرمایا ان شاء الله عز وجل کن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ بھی ان شاء الله عز وجل سنیں گے اور کچھ مختصر واقعہ ان شاء الله عز وجل ہم اپنے الفاظ میں بھی ان شاء الله عز وجل اس کو سنیں گے جنگ हुनैन ये फ़तेह मक्का के बाद हुई जब इस्लाम की सरबुलंदी बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हुई तो हवाज़िन और सकीफ़ के कबाइल के मशवरे के बाद जो है इन्होंने अपना सरदार बनाया, मालिक बिन औफ नज़री को अपना सरदार बनाया और जंग की तैयारी शुरू करी। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस जंग की खबर मिली, इस खुफिया तदबीर की खबर मिली, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 10 शवालुल मुकर्रम 8 सन हिजरी को फरवरी 630 ईस्वी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लश्कर तैयार किया जिसमें मक्के के कुछ मुसलमान भी थे, महाजरीन भी थे, अंसार भी थे और कुछ मुशरिकीन भी शामिल थे इसमें। इस लश्कर में तकरीबन इसकी तादाद थी 12,000 और तादाद में भी मुसलमान ज़्यादा थे और जंगे सामान भी जो है मुकम्मल था। इस जंगी सामान मुकम्मल होने पर और तादाद पर मुसलमानों ने एक तकब्बुर किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में मुसलमानों को शिकस्त से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दिखाई और शिकस्त इस तरह हुई कि जब वो जंग शुरू हुई तो जो दुश्मन थे वो छुपे हुए थे, छुपकर उन्होंने जब तीरों के वार किए तो जो मुसलमानों का लश्कर था वो कम हो गया, कुछ भाग गए, सिर्फ एंड में कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रह गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लश्कर ले गया। लेकिन फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे और आप ये शेर बुलंद करते रहे जिसका तर्जुमा था कि मैं नबी हूँ और ये कोई झूठी बात नहीं और मैं अब्दुल मुतलब का फर्जंद हूँ। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को इरशाद फरमाया कि आप ऐलान करें, तो आपने जब ऐलान करा जो भागे हुए मुसलमान थे आपके ऐलान पर वापस पलट आए और फिर उन्होंने जानिसारी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। इस जंग का वाक्य अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह बयान किया कि किस तरह पहले मुसलमानों को शिकस्त हुई और किस तरह शिकस्त हुई फिर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई। तो इस जंग का जो वाक्य अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, आइए वो समाप्त करते हैं कुरान पाक के अल्फाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फ़लम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ध बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन थुम्मा अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अला
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين। जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी कई जगह पर मदद फरमाई और हुनैन का दिन जब तुम अपनी कसरत पे इतराए तो तुम्हें वो कुछ काम ना आई और ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ दिखाकर भाग गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तस्कीन नाजिल फरमाई अपने रसूल पर, मुसलमानों पर, और ऐसे लश्कर उतारे जिनको तुमने ना देखा, और अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को अजाब दिया और यही काफिरों की जजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वाक्य बयान करा इससे हमें क्या सबक मिलता है? वो सबसे पहले सबक हमें ये मिलता है कि हमेशा याद रखें कि मुसलमानों को जो फतह मिली है वो ना तो लश्कर की तादाद की ज़्यादा तादाद की वजह से मिली है, ना ही जंगी सामान मुकम्मल होने की वजह से मिली है, बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मुसलमानों को फतह मिली है। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ही है कि जिसको जो कुछ मिलता है सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिलता है। कोई किसी की अपनी कोशिश नहीं होती, कोई किसी की अपनी ताकत नहीं होती, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, बंदा सिर्फ कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है जो उसको पूरा करती है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उम्मीद रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने ऊपर तकब्बुर करने से बचाए। आमीन बिजाइल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।